इस साल के आखिर में बीजेपी शासित 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान। बीजेपी के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है, लेकिन वो उसके लिए दिनों दिन मुश्किल बनती जा रही है, क्योंकि विपक्षियों के वार के साथ साथ अब अपने भी पार्टी को घेरने की तैयारी में है। राजस्थान में बागी तेवर दिखा रहे बीजेपी नेता घनश्याम तिवारी के संगठन भारत वाहिनी को चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टी का दर्जा दे दिया है। संगठन को पार्टी का दर्जा मिलने से बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। राजस्थान में अलवर और अजमेर में लोकसभा उपचुनाव के बाद से ही बीजेपी की हालत खराब चल रही है। कहा जा रहा है कि न जनता साथ देने को तैयार है, न अपने नेताओं के बागी सुर लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। दिग्गज भाजपा नेता घनश्याम तिवारी ने पहले ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था कि अब उनके संगठन भारत वाहिनी को चुनाव आयोग ने राजनीतिक पार्टी का दर्जा दे दिया है, जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। घनश्याम तिवारी के बेटे और भारत वाहिनी के संस्थापक अध्यक्ष अखिलेश तिवारी ने बताया कि चुनाव आयोग से हमें मंजूरी मिल गई है, अब हमें चुनाव लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि घनश्याम तिवारी राजस्थान बीजेपी के दिग्गज नेता हैं। वो समय समय पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की मुखालफत करते रहे हैं और अब तो उनके संगठन को पार्टी की मान्यता भी मिल गई है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि वो बीजेपी का साथ छोड़कर अब खुलकर अपनी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो राजस्थान में राजे का राज मुश्किल में आ जाएगा, क्योंकि घनश्याम तिवारी का राज्य में काफी दबदबा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।